आज के इस वीडियो में हम 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, ओहो मोदो महामदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइजर। ओहो मोदो महामदो नाइजर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। RECP इसका फुल फॉर्म है, रीजनल कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी। यह एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। इसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। RCEP में नंबर 20 2020 में भागीदारी के हस्तक्षेप किए गए थे और भारत ने इसे 2019 में चुना था। इस व्यापारिक करार का मकसद RCEP में देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। सिंगापुर के बारे में जानकारी, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर, इसके राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्य को हासिल करने के सहयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों का समग्र विकास योजना की शुरुआत की है। सार्थक का फुल फॉर्म स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई शिक्षा नीति के लक्ष्य और उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL के 14वें सीजन में तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया और यह कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL की 100वीं जीत है। IPL लीग में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले के कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे नंबर पर है। मुंबई इंडियंस 204 मैच में 120 के साथ टॉप पर है और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 180 मैच में से 106 जीत के साथ दूसरे नंबर पे। IPL के बारे में जानकारी, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी और एल राहुल को ऑरेंज केप सर्वाधिक रन के लिए तथा कासिगो राबड़ा को पर्पल केप सर्वाधिक विकेट के लिए दिया गया था। क्रिकेटिक जीके स्टैटिक जीके क्रिकेट का देख लीजिए। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफियां, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्राउंड अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेद पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेद पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक आर नारायण और आर गोपाल कृष्ण ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर माय मदर माय हीरो पुस्तक अच्युता सामंग ने लिखी है। वाइल्ड एंड विलफुल
टाइल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसीज पुस्तक नेहा सिन्हा ने लिखी है। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक जीत थाइल ने लिखी है। सुपारी पालन पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप बालसे पाटिल को किस राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दिलीप बालसे पाटिल को महाराष्ट्र राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बीरानी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूती चंद। छत्तीसगढ़ बीरानी पुरस्कार 2021 से दूती चंद को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खेल साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं को योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इक्वाडोर। गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर देश के बारे में जानकारी, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्यूटो है। इसकी करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो बने हैं। टॉप देशों के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जाई बने हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी बने हैं। कोसोवो के राष्ट्रपति बजोसा ओस्मानी साद्रायू बने हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बल्सरनार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंजाब के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के गवर्नर बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है, पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का राजकीय पशु काला हिरण है, पंजाब की झील सुखाना झील, हरिकेन झील इत्यादि हैं, पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम, पठानकोट सिसवान बांध इत्यादि हैं, पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर में है, जलियावाला बाग अमृतसर, बाघा बॉर्डर इत्यादि हैं, पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा गिद्ध झूमर घुमला इत्यादि है, पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे श्री गुरु राम देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे, जिससे इन परिवारों को अच्छे जिंदगी मिल सकेगी और इस योजना के तहत असमानता को कम किया जा सकेगा। नई दिल्ली के बारे में जानकारी, नई दिल्ली की स्थापना अलंग पाल ने की थी। नई दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। नई दिल्ली की राजकीय फूल अल्फा का है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बेजाल है। नई दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम इत्यादि हैं। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पल्लव हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पूर्व सोवियत संघ के नागरिक पूरी गगरेन के में 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरनी थी।
जिसके साथ वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। यूरी नागरिन की इस अंतरिक्ष उड़ान के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 12 अप्रैल को 1981 में कोलंबिया द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस शटल STS-1 की तिथि को भी याद किया जाता है। टॉप देशों की स्पेस एजेंसी के नाम, इसरो की स्पेस एजेंसी का इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जेक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। अप्रैल मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।